हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल देसी इंडियन छोरी और आज मैं लेकर आई हूँ सरसों का साग जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनने वाला है, और एकदम चटपटा और मज़ेदार बनने वाला है और यहाँ देखिए साग बनकर रेडी है तो आइए स्टार्ट करते हैं साग की रेसिपी आई होप सर्दियों में सबको साग खाना पसंद होता होगा तो यहाँ मैंने लिया है साढ़े सात सौ ग्राम पालक ढाई सौ ग्राम सरसों और ये मैंने बारीक काट लिए और फ्रेश धो लिए और एक बार में से दोबारा पानी डाल दूँगी इसके अंदर जिससे कि मैंने तीन बार इसे धो चुकी हूँ और बस पानी डाल के रख देते हैं जैसे कि अगर थोड़ी बहुत मिट्टी और होगी तो वो नीचे रह जाएगी और यहाँ पे मैं कुकर में इसे डाल रही हूँ और हाफ ग्लास वाटर डाल के इसे बंद करके रख देंगे दो से तीन सीटी आने के लिए और फटाफट ये साग बनकर रेडी हो जाता है और मैं इसके अंदर एक न्यू फ्लेवर ऐड करूँगी आप ज़रूर ट्राई करना इस साग को और काफ़ी चटपटा बनाता था और काफ़ी यम्मी बनाता आप इसे ज़रूर ट्राई करना एक बार इस वे से तो आप ज़रूर खाना पसंद करेंगे जिसे साग नहीं भी पसंद होगा वो भी खाएगा तो बस अब हम इसे रख देते हैं गैस पे और इन सर्दियों में आपको कोई न्यू रेसिपी जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो पूरी देखते हो पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करो और लाइक करा करो और अपने चैनल इस चैनल को प्यार दिया करो और बस यहाँ पर मैं उसके को ओपन कर दूंगी और मैं इसमें लगाऊंगी बेसन का ओरियन आप तो मक्के का आटा का भी लगा सकते हैं बट मुझे बेसन का ओरियन काफ़ी पसंद है यहाँ पे मैंने टू टेबल स्पून बेसन ले लिया है उसमें थोड़े थोड़े वाटर क्वांटिटी में डाल के हम इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे स्मूथ और उसको मैं जैसे ही हमारी सीटी ओवर लग जाएगी दो तीन कुकर ओपन करके इस ओरियन को लगाएंगे और बस हमारे ये पेस्ट बनकर रेडी है और अब मैं अपना एक बार पालक चेक कर लेती हूँ कि वो बॉईल हो चुका है अच्छी तरीके से या नहीं तो बस यहाँ पर हमें गैस निकाल देती हूँ कुकर की और चाहिए मैं वेट नहीं कर रही तो इस, इसकी हेल्प से डाल देती हूँ और पटाखा इसके अंदर डाल देती हूँ बेसन का पेस्ट और थोड़ा सा वाटर ऐड करके क्योंकि जिससे लम्स ना पड़े और अच्छे से मिक्स कर देना है और इसी के हाथों से हम इसे मैश कर देंगे अपने स्पून के हेल्प से तो अच्छे से मैश हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में और यहाँ पर देखिए हमारा साग बिल्कुल बनकर पालक सॉरी बॉइल होकर रेडी है अब इसके अंदर हम डालेंगे पेस्ट जो अभी हमने बनाया था आप चाहे तो मक्के का आटा का भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी है बट आप एक बार बेसन का ट्राई करना बेसन का भी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे अब पेस्ट डाल देती हूँ मैं एक बार गैस ऑन कर देती हूँ गैस ऑफ कर देती और फटाफट और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे वो मैं इसी कटोरी में लेकर पानी ऐड कर दूँगी और बस इसे अच्छे से चला लेना है मिक्स कर लेना है और दो मिनट के दो से तीन मिनट के लिए इसे अच्छे से ढककर पकाना है जिससे कि बेसन पक जाए क्योंकि एक बार मैं अब दोबारा और इस साग में आपको डबल डबल तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है बहुत कम ऑयल में और अच्छे से बन जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम डबल डल डबल सॉरी टंग टेस्ट हो रही है डबल तड़का लगाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो वो काफ़ी अच्छा नहीं रहता है और बस इसे आप मैं हेल्प से इसके स्पून की हेल्प से मैश करती जाऊँगी और इससे इसके अंदर कोई लम्स नहीं पड़ेंगे बेसन के और फटाफट इसको ढाक कर पकने देंगे और दो से तीन मिनट के अंदर हम इसे दोबारा चेक कर लेंगे जैसे ही खदकने लगेगा हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई के फ्लेवर में तो आप देखना मैंने कढ़ाई के अंदर कितना मज़ेदार स्टार्टिंग तरीके से इसमें फ्राई करा है साग को और आप इसे खाना ज़रूर पसंद करेंगे और अक्सर क्या होता है हम घी में लाल मिर्च वगैरह डाल डालकर तड़का लगाते हैं डबल टाइम मैंने ऐसा ज़्यादा तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाया था उसके बावजूद भी इतना अच्छा लग रहा था खाने में इतना टेस्टी था आई होप आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना बहुत ही लगेगा आपको खाने में आप बहुत भर भर के कटोरिया साग खा लोगे और सो बस अब मैं इसे ढक कर पकने देती हूँ और एक बार दोबारा चेक कर लेंगे जैसे ही खदकने लगेगा मैं यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने कुछ सब्जियाँ चॉप कर ली हैं कुछ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था शुरू हो गया तो चला देंगे अपने हाथ से इसे अच्छे से मैश कर देंगे बहुत जल्दी मैश हो जाता है पालक ही है सॉफ्ट होता है और बस अब गैस ऑफ करके हम यहाँ पे गैस चला के दोबारा से रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डालेंगे सरसों का तेल कभी भी साग बनाओ तो सरसों के तेल में ही बनाए करो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं बट रिफाइंड में ना वो स्वाद नहीं आता है आप कभी भी प्रेफर कर दो सरसों के तेल में बना कर और यहाँ पर मैं डालूँगी डेढ़ टेबल एक चम्मच तेल वन एंड हाफ टेबल स्पून और अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा हींग और कटे हुए मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है रफ़ली चॉप करा है प्याज को टू टू प्याज दो प्याज को और तीन से चार ग्रीन चिली को एक इंच अदरक टुकड़े को और पाँच छः से लहसुन की कलियों को और अदरक मैंने आपको बता दिया पांच चीज़ें मैंने कट करी हैं और वो आपको मैं भी दिखाती हूँ और अच्छे से हमारा यहाँ पे तेल भी गर्म हो जाएगा तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा और ही ऐड करूँगी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मैंने ट्रे में कुछ फैंसी करने के लिए कि आप जैसे मेरी वीडियो को पूरा देखा करो और डालूँगी फ़टाफट इसके अंदर हींग और जीरा और ये देखिए मैंने डाल दिया हींग और अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे लहसुन जो कि हमने रफली चॉप कर लिया है और यहाँ देखिए और उसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अनियन और ग्रीन चिल्ली और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर और टमाटर डालते ही हम ना नमक डाल देंगे जैसे कि हमारे जो मसाला है ये पूरा ये अच्छे से पक जाएगा और मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक कभी भी नमक नहीं डाला है। तो हम साग की क्वांटिटी देखकर ही नमक डालेंगे इसी टाइम पे जैसे कि मसाला भी पक जाएगा और क्या कहते हैं साग की क्वांटिटी में नमक भी अच्छे से हो जाएगा क्योंकि जब इसके अंदर हम साग ऐड करेंगे तो यहाँ देख लीजिए मैं टमाटर प्याज और मिर्च डाल रही हूँ और प्लीज़ मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी चैनल पे जाकर देखा करो देसी इंडियन छोरी को आपकी हेल्प और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या कोई भी इसमें कमी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताया करो और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना इस वजह से कोई भी ज़्यादा फैंसी मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि और वे नहीं है और बहुत ज़्यादा सिंपल वे है बस थोड़ी सी सब्ज़ी चॉप करनी है और पालक वालक कट कर करके आराम से मैं तो घर में ही इसको फ्रेश बीन बन के फिर कट कर कराती हूँ क्योंकि बाहर से ले आओ तो बट वो थोड़ा सा अनहाइजीन लगता है इसलिए मैं घर पर ही कट कर लेती हूँ और बीन के क्योंकि वहाँ कई बार नहीं भी बीन वगैरह ना साफ़ वाफ़ नहीं करते ढंग से इसीलिए तो बस अब हम डाल देंगे टमाटो और टमाटो डाल दी मैं यहाँ पर डालूँगी सॉल्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था और यह देसी टमाटर जो कि साथ में थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा और खाने में ना इतना टेस्टी लग रहा था और हाँ एक चीज़ तो मैं भूली गई आपको बताना साग के अंदर डालूंगी मटर जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा साग के अंदर डली हुई है तो बस अभी मैंने डाल दिया है सॉल्ट और टमाटर अच्छे से मैश कर लूँगी एक बार दोबारा चलाकर और फिर इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन ग्रीन मटर जो कि बॉयल नहीं है सिंपल मटर है छील कर एक कटोरी मटर डाल रही हूँ भर के साग का मज़ा ही दुगना हो जाता है मटर डालने से तो एक बार ट्राई करना यार प्लीज़ इस रेसिपी को मुझे तो ना ये रेसिपी बना के बड़ा मज़ा आ गया और सबसे बड़ी बात है सुबह बनाई थी और दोपहर तक नहीं चली और बस मैं तो जब भी साग वाग बनाओ सोचती हूँ रात तक चल जाए बट ऐसा कभी नहीं हो पाता क्योंकि साग बनता ही इतना टेस्टी खाने में ना बड़ा झक्कास लगता है और यहाँ डाल दिए मैंने मटर और बस एक मिनट के लिए फ्राई करके अब इसे ढक कर दो मिनट के लिए स्टीम होने देंगे पूरे मसाले को और फिर ऐड कर देंगे अपना साग और अच्छे से चला देंगे देखिए ना तो मैंने यहाँ धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर मतलब जो भी मतलब बेसिक मसाले क्या बेसिक मसाले क्या मैंने सिर्फ यहाँ पे यूज़ करा है ओनली नमक और कुछ भी यूज़ नहीं करा फिर भी साग इतना टेस्टी बना था ना आप एक बार जरूर ट्राई करना और थोड़ा सा अच्छा भी रहता है कि कभी कभार बिना धनिया पाउडर और बिना लाल मिर्च के भी खाना खा लो सेहत के लिए भी और वैसे भी अच्छे रहते हैं बाकी एल और विश अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं कोई मना नहीं है और यहाँ पे देखिए मटर अच्छे से पक गई अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साग यही बस मैं एक बार इसे दबा दबा के देख रही थी वही होता है ना और बस यहाँ जो कुकर में मैंने यियन लगा के साग रखा था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से चला देंगे और देखिए बेसन जो था कल अभी खदकने के लिए मैं दो मिनट के लिए छोड़ दूँगी और हमारा साग गर्मा गर्म बनकर रेडी है आप इसे मक्के की रोटी चावल किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं खाने में काफ़ी टेस्टी लगा था आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करना मेरे कहने पे और मुझे बताना ज़रूर कि आपने साग बनाया तो आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार दिखाना सपोर्ट दिखाना और अच्छे अच्छे कमेंट करके ढेर लाइक करना शेयर करना बाय